नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। हमारे संवाददाता संजय नायक की रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर क्षेत्र ग्राम पंचायत शिवनगर में सरपंच पद के उम्मीदवार केवल राम मेघवाल ने बताया कि वह सबसे पहले विद्युत व्यवस्था को सही करेंगे, क्योंकि जीएसएस दूर होने के कारण लाइट नहीं रहती है। मेघवाल ने बताया कि सबसे पहले वे लाइट की व्यवस्था करवाने में हर संभव प्रयास करेंगे। दूसरा, कच्चे खाले हैं जो पानी टेल तक नहीं पहुंचता, तो उन खालों का पक्का निर्माण करवाया जाकर टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा। उसके बाद कच्ची सड़कें हैं, उन्हें पक्की करवाकर आवागमन में जनता को सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्कूलों के अंदर पेयजल उपलब्ध नहीं है, इससे नन्हे मुन्ने बच्चों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलता। उनको अगर मतदाता विजयी बनाते हैं तो वो सबसे पहले स्कूलों के अंदर पेयजल की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जो भी काम लंबित पड़े हैं उन्हें प्राथमिकता से करवाए जाएंगे तथा शमशान घाट की चार दीवारी का निर्माण करवाया जाएगा और समस्त ढाणियों को पक्की सड़क बना करके सड़कों से जोड़ा जाएगा। आवास योजना का पंचायतवासियों को लाभ दिया जाएगा और जिनके घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय निर्माण के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, अगर जनता मुझ पर विश्वास करती है, पंचायतवासी मुझे अपना सरपंच चुनते हैं, तो मैं ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बहा दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो हमारी शिवनगर पंचायत के में जो छोटे में छोटा किसान है उसके बारे में हमारे सोचना है, और जिसके पास काम नहीं पहुँचा है उसके बारे में हमारे सोचना है। फिर भी हमारे शिवनगर पंचायत के अंदर स्कूल और मास्टर नहीं है उसके बारे में भी सोचना है। हाँ जी, और आगे रे वास्ते जो हमारा खाड़ा है, पानी हमारे टैर तक पहुंचता नहीं है। हाँ जी, वो खाड़ा टूटा हुआ है उसके बारे में सोचना है। हमारे नहरों के पानी के बारे में भी हमारे सोचना है। और भी छोटा मोटा काम है हर किसान के लिए, वो भी हमारे सोचना है जरूरी। और हम सब हर टाइम इनके बीच में रह करके और 24 घंटा इसके बीच में किसानों के बीच में रह करके हम खुद भी किसान हैं। हाँ जी, और उसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरा मन और तन से और धन से, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमारे धन से भी हम इनके साथ जुड़ के और किसानों का भला करने के लिए रात और दिन एक करके हम काम करेंगे। और सब ये आप हमारे तक पहुंचा हो तो आपको भी धन्यवाद है, और हमारी न्यूज आप ले जाए और सरकार को देना जरूरी है। हर गरीब की न्यूज ले जा करके आप दो तो हमारे कुछ समस्या की हल। और तो सरपंच साहब, ये है कि आप जैसे जीत के बाद जनता को क्या, मान लो जनता को क्या आप देना चाहोगे कि उनके मान जीत के बाद उनको क्या फायदा होगा? जो भी जनता के अंदर में जो भी बजट आएगा वो जनता के बीच में मैं बुला करके जनता को और उसके बीच में इतना। हाँ, मैं बाबूलाल सरोके वाला मेवा चकेक बीडी शिवनगर ग्राम पंचायत शिवनगर का रहने वाला हूँ। हमारा उद्देश्य यही है, ग्रामीणों को रोजगार दिलाना अधिक से अधिक प्रयासों के अंदर। और वैसे मेरा मुद्दा बिजली का है, जैसे बिजली टेमो टेम बिजली उपलब्ध करवाना, और उसी के अंदर करीबन मैं राजनीति के अंदर 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा मेन पॉइंट यही रहेगा बिजली का। और हर किसान को बिजली उपलब्ध करवाऊँगा, हर गरीब को गरीब उनको समय पे मेरा योगदान रहेगा।
और आगे हॉस्पिटल हमारी पंचायत के अंदर नहीं है, वो भी मैं मंजूर करवाऊंगा, और पानी के लिए और भी खेती के अंदर कोई बहुत सारे सुझाव है वो मेरे मन में है, ताकि किसानों को टाइम पे उपलब्ध करवा सकूं। और आगे के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भी कोई भी सरपंच उम्मीदवार ऐसे चुने ताकि अपनी आवाज़ यहाँ से आगे तक पहुँचाए, चाहे कोई भी हो, पब्लिक को कोई भी अच्छा लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भी हमें आप आगे लाओ, ठीक है। और हमारा मेन पॉइंट यही है, और हमारे ग्राम पंचायत में स्कूल है, जैसे टीचर अभी नहीं है, बहुत परेशानी चल रही है, हमने कई बार आगे अवगत करवाया लेकिन अभी तक टीचरों की व्यवस्था नहीं बैठी है, और हम करवा देंगे, आगे तक करवा देंगे, थोड़ा हमें टाइम भी मिले। और आगे जैसे ही हमारी पंचायत के अंदर अभी टीचरों की कमी नहीं रहेगी, हॉस्पिटल की है, गौशाला की है, बिजली की है, और खालों में पानी की है, डाट कवरिंग है, खालों की।